घर की हालत देखो किचन का, कितना सारे सामान बिखरा पड़ा। यहाँ पे बना रहा चाशनी गुलाब जामुन के लिए, इधर पम्बी का खेल रहा। काले काले आ रहा यार बेटा, काले काले आ रहा। तो हमारे घर में आज पूजा है तो उसके लिए खाना बना रहा और मीठे में बना रहा गुलाब जामुन, और खाना वगैरह बनना भी बाकी है। तो बने रहिए वीडियो पे, आप लोगों को पता ही चल जाएगा आज हमारे घर में क्या क्या खाने में बनने वाला है। हमारे आज के उस्ताद अनीता जी है ना बेटा, फटाफट बनाओ। और ये है गुलाब जामुन का आटे, ये है गुलाब जामुन का आटा। आज बेसन भी बनाएंगे। क्या बनाएगा? अभी तैयारी चल रहा आटे गूंदने का, गुलाब जामुन का। गिलास में रखा ना दूध, और अनीता जी लगा रहा गुलाब जामुन के आटे, है ना बेटा? हाँ। और अम्मी का आज तो तैयार होके डांस कर रहा है। डांस करके दिखा बेटा, पीछे 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 जा, पीछे जा, पीछे जा, अब करो डांस। अरे घूमने के नहीं बोल रहा हूँ, डांस करने के बोल रहा हूँ। ये देखो गुलाब जामुन के आटे, सॉफ्ट सॉफ्ट। कितना बता? ये तो दिख रहा बेटा, कहाँ दिख रहा तुम? अंबिका का बहुत पसंद है गुलाब जामुन, है ना अंबिका? किसको पसंद है? अंबिका का जे। हाँ। बेटा गुलाब जामुन पसंद है तेरे का जे? हाँ। मैं भी खाना बनाने सीख गया, है ना? क्या बनाने सीख गया बेटा? खाना। खाना बनाने सीख गया तुम भी? हाँ, काम करने भी। अच्छा, पोंछा लगाया तूने? कब लगाया? अब कल। अम्बिका झूठ बोल रहा मैं पोंछा लगाने सीख गया। हैं, इतने झूठ मत बोलो यार। तो चाशनी बनकर रेडी हो गया, और यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा दी, इसमें तलेंगे गुलाब जामुन। तो यहाँ पे बना रहा गुलाब जामुन की गोले। अम्बिका ने कितने से बनाया हुआ था, क्यूट सी बनाया अम्बिका ने। ये देखो अम्बिका था ना, क्यूट सी बनाया है ना। और हमारे भाई साहब भी, अरे इसे हटा दो रे, गंदे 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 बात, गंदे बात। भैया ने हाथ नहीं धुला? हाँ। धुला देना। सो गाइस, अब है समय गुलाब जामुन तलने का। ओ ज्यादा डाल दी यार, है ना, ज्यादा डाल दी मैंने। सो गाइस पक चुका, अब इसे डालते हैं चाशनी में। कोई हुई टाइम लड्डू बनाने का। गुलाब जामुन तो बन गया, अब लड्डू बनाएंगे। तो लड्डू बनाने के लिए आटा भूंज रहा हूँ अभी। लकड़े वाले चूल्हे में कुकिंग करना आसान नहीं, देखो कितने ज़्यादा पसी निकल रहा। तो रनीता बना रही है यहाँ पर सब्जी। ओए होए, और घर की हालत देखो किचन का, कितना सारे सामान बिखरा पड़ा। यह है उड़दा की दाल, इससे बनाएंगे बड़ा। इसमें मिलाए मिर्ची, प्याज, अदरक, लहसुन। तो इसे अभी मिक्सी में पीसेंगे, फिर बनाएंगे बड़ा। बड़ा बोले तो हमारे गांव क्षेत्र में बड़ा बोलता है, और होटलों पे मिलता है बड़ा, बड़ा या बड़ा, कुछ भी बोल सकता है। पीस रहा हूँ मैं दाल बड़ा के लिए। बड़ा, और इस साइड पे बन गए भजिया, और अभी निकल रहा बड़ा। सो यहाँ पे पूजा होना भी स्टार्ट हो गया, तो बने रहिए वीडियो। तो हाय गाइस, मैं आज बैठा हूँ नाश्ते पे। अच्छा, नाश्ते में हलवा है। हम भी कभी है, हम का हलवा है, बोलो। हाँ। बुमोड़ी आगे होकर लगो। Day 2। सो अभी मैं खाने पे बैठा हूँ, नाइट पे भी लोग ज़्यादा छोटे से लिए नहीं कर पाए, क्योंकि घर पे कार्यक्रम था और काफ़ी मेहमान वगैरह जुड़ा हुआ था, गांव के कुछ रिश्तेदार। इस वजह से रात में ब्लॉग बनाने के लिए टाइम नहीं मिला, तो अब मैं शूट कर रहा हूँ। पर अभी मैं रात के बचे हुए खाना खा रहा हूँ।
खाने पे है सब्जी, पूड़ी और भजिया, बड़ा, दाल और ये है लड्डू, और मीठे में लड्डू और गुलाब जामुन, इधर पक्का चावल।